बिगुल है ब्लॉकबस्टर कॉल के लिए और स्टॉक है एनर्जी डिशमैन कार्बोजेन जिसका सिंबल है DCAL। इसमें खरीदारी की राय है और इस कंपनी को अगर फंडामेंटली देखें तो काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और ग्रोथ पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि कंपनी क्रैम्स के अंदर है और क्रैम जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी का और साथ में कंपनी API के अंदर है और ये कंपनी जो है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इनिवेटर्स के साथ काम कर रही है और वैल्यूएशन देखें तो 0.41 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है और राकेश झुंझुनवाला 3% स्टेक होल्ड करते हैं। मुकुल अग्रवाल जी का भी नाम शेयर होल्डिंग में आता है और अब इसको रिकमेंड करने का रीजन ये है कि इसके अंदर जो हमारे विश्वेश जी बोलते हैं कि एक खूबसूरत वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो मीडियम टर्म टारगेट है 230-240 के और लॉन्ग टर्म टारगेट है यहाँ पर 350 के। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए स्टॉक को इन स्तरों पर और करेक्शन में एक्यूमुलेट करें और बाय एंड होल्ड की राय है डिशमैन कार्बोजेन पर। ओके, तो ये है आपके लिए डिशमैन कार्बोजेन पर खरीदारी की राय स्पेशल पिक के तौर पर बंसल जी की तरफ से। आइए बिगुल अगला BTSG का सचिन जी की तरफ से। बताए सचिन जी। अनिल जी, एक्शन ऑटो काउंटर्स पे ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। जिस तरीके से इसका ओपनिंग डेटा है, यहाँ पर एक ओपन लो फॉर्मेशन है, 2910 के आसपास का लो बना है, तो मुझे लग रहा है वहीं पे आज स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है आज के सत्र में ही अराउंड 3070 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। सो खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प में 2910 के स्टॉप लॉस के साथ 3070 के इंट्राडे टारगेट के लिए। ओके, 2965 के आसपास से इस वक्त यहां पर करें खरीदारी हीरो मोटोकॉर्प में। 2910 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है खरीदारी। आइए 3070 का रखें टारगेट, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई शुभम जी की तरफ से। बताएं सर शुभम जी। अनिल जी, एक अच्छा मूव आज भारतीय एयरटेल में फॉलो अप कल के मूव के बाद आज आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें और थोड़ा सा अपसाइड आता हुआ दिख सकता है और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स देखने को मिले हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो 550 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें अगली सीरीज का, अभी 17.40 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है, इस कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय होगी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 15 रुपये पे और 24-25 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है, तो भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की राय। ओके, भारतीय एयरटेल में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए कॉल ऑप्शन के जरिए 550। और कल भी मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल पे विश्वेश जी या फिर जय की तरफ से खरीदारी की राय आई थी, तो ये स्टॉक फिर से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 17.5 में लीजिए 15 का स्टॉप लॉस, 24-25 रुपए के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अगला जहां पर जबरदस्त एक्शन दिख रहा है वो है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। 23 अप्रैल को हमने इसे रिकमेंड किया था SIP स्टॉक में, 220 रुपए के आसपास था और आज देखिए फिर से बेहद मजबूत होकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5% की तेजी आज, 10%, माय गॉड, 10% का ऊपरी सर्किट लग चुका है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज 335 के आसपास। जरा एक बार सचिन जी इसके चार्ट देखिए और राय दीजिए अपनी जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। अनिल जी, जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन है, डेफिनेटली आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 300 के आसपास। एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग 370 के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में, तो डेफिनेटली यहाँ तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 300 के आसपास का। ओके, तो जुबिलेंट इंडस्ट्रीज पर रखें नजर। आप पिछले फ्राइडे 23 अप्रैल को, यानी कि 3-4 दिन पहले, हमने आपको इस स्टॉक के बारे में बताया था। SIP स्टॉक जो हम बताते हैं रोज, उसमें हमने इसको हाईलाइट किया था। और अनिल जी, तब से अब तक 55% की तेजी इस काउंटर पर आ गई है। 220 के लेवल्स के आसपास हमने फ्राइडे मॉर्निंग को इसके बारे में चर्चा करी थी सर, और तब से अब तक देखें तो 55% की तेजी जुबिलेंट इंडस्ट्रीज में आ गई है। 220 के लेवल से अब 335 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है सर। तो जो उस समय आपने ट्रिगर्स की बात किए थे, वो तो 5 दिन में ही स्टॉक ने कवर कर दिए। अगर किसी ने हमारी रिकमेंडेशन पर देखा वो स्टॉक को, तो और क्या करना चाहिए सर उन्हें?
दीप अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है कि अभी भी काफी वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको एनकैश करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से इसे होल्ड करिए, हड़बड़ी मत कीजिए। और इसलिए हम कह भी रहे थे कि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और जो फोकस प्रमोटर्स का है गजब का है, बहुत शानदार कंपनी है, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि और अपसाइड अभी भी बाकी है। तो आमतौर पर अगर 3-4 दिन में आपके 100 रुपये स्टॉक बढ़ जाए, यानी कि लगभग 30-35%, तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन कोई डाउट नहीं, हमें खुद को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना तेजी से भाग जाएगा, इतना जल्दी भाग जाएगा, वो ये तो पता नहीं होता स्टॉक कब, कई बार बहुत बढ़िया से बढ़िया स्टॉक कई टाइम तक काफी लंबे समय तक नहीं चलते हैं, कभी स्टॉक सही वक्त पर आपने रिकमेंड कर दिया चल गया, वो बाजार की वजह से है, वो कोई कमाल नहीं है। लेकिन हाँ, वैल्यू है, और जब स्टॉक का इस तरह का रनअप आया तो लोग इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि अपसाइड है, होल्ड करिए। जीती करने की राय है और खरीदारी करनी है एक बेहतरीन मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स में, जो सचिन जी को भी कई बार पसंद रहा है, ये है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। 212 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 212-212.50 यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगभग 200 रुपए के आसपास का लगाइए और यहाँ खरीदारी कीजिए। और इसकी वजह जो मैं बताना चाहता हूँ आपको ये कि सोमवार से लेकर अब तक लगभग कार्बन ब्लैक के दाम 5% बढ़े हैं। सारी कमोडिटीज में जिस तरह की तेजी चल रही है, उस तरह की तेजी कार्बन ब्लैक में भी आती हुई दिख रही है, और लगातार दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और उस बढ़ते हुए दाम की पोजीशनिंग के लिए ये कंपनी एकदम तैयार है। अब कार्बन ब्लैक की प्राइसेस 75 रुपए से 80 रुपए हो चुकी है, तो यहाँ पर जबरदस्त आपको तेजी का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह कि कंपनी का महज 3500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल कंपनी बढ़िया मजबूत प्रॉफिट दिखाएगी, 600-650 करोड़ रुपए का, तो दमदार प्रॉफिट जो आने वाला है उसके दम पर कंपनी के रिजल्ट्स आगे चलते हैं और दमदार रहेंगे इस क्वार्टर के भी, आने वाली तिमाहियों के भी। 220 और 230 के छोटे टारगेट्स के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी, और अगर आप निवेश के लिहाज से देख रहे हैं, पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं, तो 250 का टारगेट रखें। जो भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका पहले दिन दूसरे दिन में टारगेट आ जाए ठीक है, नहीं तो आप 4-5 दिन का व्यू लेकर पोजिशनली इसको ट्रेड करें। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, ट्रेल करते चलें, और फिलहाल 200 रुपए का रखें, उसके बाद आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेना। पहला टारगेट 220 का जब आता है तो आप स्टॉप लॉस आज के लो पर ले आइएगा, वो 206 के आसपास का, 205 का कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी कॉस्ट प्राइस पर ले आइएगा, तो धीमे धीमे स्टॉप लॉस को ऊपर मूव करते चले, और फिलिप्स कार्बन ब्लैक को यहाँ पर खरीद सकते हैं 220-230-250 तीन टारगेट के लिए। और सचिन जी एक बार जरा इसके चार्ट पर राय दे दीजिए। डेफिनेटली खरीदना है अनिल जी, जिस तरीके से इसमें एक वीकली चार्ट पे स्क्वीज है, मुझे लग रहा है वो स्क्वीज से अभी एक ब्रेकआउट हुआ है, तो लगभग 230 और 245 इन टारगेट्स के लिए ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। जिस तरीके से इसकी ओपनिंग हुई है, मुझे लग रहा है 205 का भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, बट डेफिनेटली खरीदना चाहिए। जिस तरीके से इसके बाकी प्योर कंपनीज परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें भी ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस अभी दिखाई दे सकती है। तो 230 होगा फर्स्ट टारगेट, 245 होगा सेकंड टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 205 का है। इनफैक्ट पहली बार मैं कवर कर रहा हूँ अवध शुगर्स, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, पिछले 10 महीनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था काउंटर में, अराउंड 185-200 के आसपास कहीं जाकर इसे एक रेजिस्टेंस आ रहा था, एंड नीचे अराउंड 160-155 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था। ये 10 महीनों का कंसोलिडेशन यहाँ पर अभी कॉन्फिडेंटली ब्रेक हुआ है, इवन इसके मंथली चार्ट पे ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ा टर्न अराउंड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, टेक्निकली अभी यहाँ से 220 के नीचे तो स्विंग बनने नहीं चाहिए, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 220 के आसपास वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। बट जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्द ही ये पर्टिकुलर काउंटर अराउंड 445 से 460 इस पर्टिकुलर जोन में स्विंग होना चाहिए, तो काफी बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 220 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड एक साल के का नजरिया अगर हम रखें तो लगभग अराउंड 450-425 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं।